जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, क्या आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। तकसरा क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने डाकुओं को आने दिया? अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मैशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसाकदार आ गया है। दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुजदिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुजदिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है। अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुजदिल आदमी देखा है उसका नाम है इसाकदार, और मैं मान ही नहीं सकता। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको NRO की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदर कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान।